मुख्तसरन ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये कहती थी कि हमारा बड़ा असर और सूख है, इसीलिए हमें जलसों की इजाज़त नहीं मिलती, हमें जलसा करने दें। अब जो है आपको जलसे की इजाज़त मिली है कि 8 जून को रवात के अंदर जाके जलसा करें, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। देखिए जी, हमने उन्हें कहा था अपने इन पार्क में हमें जलसे की इजाज़त दें, आपको आपको मैं बताता हूँ उसके लिए। रवात मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस्लामाबाद का हिस्सा है, NA 48 में आता है वो, और लेकिन इस्लामाबाद सिटी से 30 किलोमीटर दूर GT रोड के बाद उन्होंने कहा जाके करें वहाँ पर, उसके भी अभी SOPs बनेंगे। ठीक है मेरा डे फर्स्ट ये था कि हम 3 FIRs मेरे ऊपर दे दी इन्होंने, किस चीज़ के ऊपर, हम प्रेस क्लब गए वहाँ पर खुदाई कर दी DC ऑफिस साहब ने, हमारे सामने एक पार्टी जो है वो डी चौक में बैठ के एहतजाज कर रही थी, परमिशन थी हमें नहीं थी, ये डिस्क्रिमिनेशन है सिंपली। अब बात यह है कि हम कहते हैं यार हमें F9 पार्क दें, एक गमला भी टूटा हम रवादार हैं, एक पत्ता भी हिला हम रवादार हैं, आप ना हमें प्ले ग्राउंड देते हैं ना हमें सिटी हमें देते नहीं है, और कहते हैं जाके कॉर्नर में जाके कर दें। बात ऐसे नहीं होती, बात ऐसे है कि ये मेरा सिविलाइज्ड मुल्क के अंदर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर लोग आपकी मोहब्बत में इस्लामाबाद रावलपिंडी से होकर कराची तक पहुंच सकते हैं तो रवात क्यों नहीं जाएंगे? देखें अल्टीमेटली तो हम वहाँ भी करेंगे, ठीक है करेंगे अल्टीमेटली तो करेंगे, लेकिन ये डिसीजन हमारी कोर कमेटी में भी डिस्कस हुआ और उसके बाद दोबारा, क्योंकि यार हम कह रहे हैं कि हमें सिटी इस्लामाबाद हमें करना है।